एक भी कौआ नहीं है। जो मैंने काफी वीडियो में बताया था हमने अपने घर में लगा रखा है ये, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक दिया बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं जा रही हूँ मंदिर, और आज है हमारे घर पर श्राद्ध मेरे दादी बाबा का। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ पूजा भोले बाबा की, और आज है अमावस्या और आज शनिवार भी है, क्योंकि मैं तो रोज ही मंदिर आती हूँ तो अमावस्या को भी जल चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है। तो चलो मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। मैंने भोले बाबा को जल चढ़ा दिया है, अब नंदीश्वर भगवान को चढ़ाऊंगी और मिलती हूँ आपको पूजा करने के बाद। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज मैंने भोले बाबा को सजाया। तो फ्रेंड्स, हम मंदिर से आ गए पूजा करके, और ये है कुशाग्र। आज दावत है कुशाग्र की श्राद्ध में, जो आए हैं फरुखाबाद से। हेलो अब हम घर जा रहे हैं, आज मंदिर आया था कुशाग्र मेरे साथ, फिर घर जाके आपको दिखाते हैं क्या क्या करते हैं। चाय बना लूं फिर मिलती हूँ मैं आपको, क्योंकि सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी है और अब बज रहे हैं 10, तो मैं चाय बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ये कौए के लिए खाना डाला है, श्राद्ध में डालते हैं ना कौए के लिए, लेकिन जब से श्राद्ध चालू हुए ना तब से कौए गायब है, एक भी कौआ नहीं दिखता यहाँ पे, एक भी कौआ नहीं है। तो नीचे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, श्राद्ध पक्ष में आज अमावस्या है, आज आखिरी दिन है श्राद्ध पक्ष का। तो हमने ब्राह्मणों को भोजन कराया था, क्योंकि आज हमारे घर पे श्राद्ध है तो थोड़ा लेट हो गए थे, 2 बज गए हैं इनको आते आते, थोड़ा लेट हो गए थे। और श्राद्ध पक्ष में जो हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वो 12 बजे के बाद ही कराना चाहिए, तभी मान्य होता है। तो अभी ये लोग खाना खा लेंगे, फिर हम लोग भी खाना खाएंगे, सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो और कल से हो रही है नवरात्रि की स्थापना, क्योंकि आज अमावस्या है, कल हो जाएगी नवरात्रि का फर्स्ट डे है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं खाना खा रही हूँ, सब्जी पूड़ी मिर्च का अचार मिठाई, बहुत अच्छा लगा क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था तो ऐसा लग रहा था खाते रहें, तो फिर खाना खाया, लेकिन जब ज़्यादा भूख लगती है तो ज़्यादा खाना भी नहीं खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं खाना खा लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अब बज गए 5:30 और दिया बत्ती का टाइम हो गया है। आज श्राद्ध था हमारे घर में दादी बाबा का, श्राद्ध भी हो गया है और आज पूरे दिन बिजी थे, थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाया था। तो अब हो गई दिया बत्ती का टाइम और आज है शनिवार। आपको पता है आज अमावस्या भी है और आज शनिवार भी है, तो शनिवार की अमावस्या को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है शमी का पेड़, ये शमी का पेड़ है जो मैंने काफ़ी वीडियो में बताया था हमने अपने घर में लगा रखा है ये शमी का पेड़। शमी के पेड़ की जब हम पूजा करते हैं तो शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि शमी के पेड़ में गणेश जी का भी वास होता है, लक्ष्मी जी का भी वास होता है, तो हमें शमी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि आप भी अपने घर में शमी का वृक्ष जरूर लगाएं और शमी वृक्ष की हर शनिवार को पूजा करें। जैसे शनिवार आता है तो सुबह के टाइम पे हमको शमी जो वृक्ष है उसकी जड़ में हमें 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, और शाम के समय आपको दीपक जलाकर इनकी आराधना करनी चाहिए। इससे शनि भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, जो भी शनि की 7.5 होती, जो भी दुष्प्रभाव होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और शनि भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक दिया बनाना है, जो कि मैं भी आपको बताऊंगी हर शनिवार को आपको शनि देव की पूजा किस तरीके से करनी है, बहुत ही आसान है। और आप अपने घर पर पहले ये वृक्ष लगाइए शमी का और फिर उसकी आराधना कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आपको एक दीपक लेना है, चाहे आप आटे का बना लिए चाहे मिट्टी का ले लीजिए, मिट्टी का बहुत ज़्यादा शुभ होता है इसलिए मैंने मिट्टी का लिया है। और आप सरसों के तेल का दिया जलाना है आपको शमी वृक्ष के नीचे, आप रोज भी जला सकते हैं, अगर रोज नहीं जला पाएं तो आप हर शनिवार को ये दिया अवश्य आपको शाम के समय जलाना है। तो आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और आपको ध्यान रखना है कि हम जब भी शमी वृक्ष के नीचे दिया जलाते हैं तो उसमें गोल बत्ती ही बनानी है आपको, लंबी बत्ती नहीं बनानी है, गोल बत्ती बनाकर आपको दीपक जलाना है और सरसों का तेल यूज करना है, सरसों के तेल का ही यूज़ किया जाता है शनिदेव की पूजा में। और आपको उसमें काले तिल जरूर डालने हैं, जब भी आप दीपक जलाएं तो काले तिल जरूर डालें, उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आज शनिवार है और मैं शमी वृक्ष के दिया जलाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि दियाबत्ती का टाइम हो गया है, तो चलिए जलाते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप दिया जलाएं ना तो दिए को खाली जमीन पर इस तरीके से कभी भी नहीं रखना है, चाहे आप एक पत्ती ही नीचे रखें उस पर आप दिया रखें तभी आप दिए को जलाएं। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको हर शनिवार शमी वृक्ष की पूजा करनी है,
इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक समस्या भी दूर होती है, शनिदेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आपको मैं बता दूं, शमी वृक्ष का जो पेड़ होता है उसकी जड़ में गणेश जी का वास होता है, तो हमें शमी वृक्ष की पूजा इस तरीके से करनी चाहिए, बहुत ही आसान है। और सुबह आप एक लोटा जल अर्पित करें और शाम को इस तरीके से दीपक प्रज्वलित करें उनके सामने सरसों के तेल का काले तिल डालकर। तो फ्रेंड्स, मैंने दिया बत्ती कर दी है। तो फ्रेंड्स, आज का ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा? आई होप कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं, विलेज वीडियो हो चाहे जानकारी वाली वीडियो, वो आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।